Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 10 को कंपेयर करने वाला हूँ Vivo Y31 के साथ और इन दोनों में जो है वो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है बट स्पेक्स में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और इसमें आपको जो है वो प्राइस जो है वो कम मिलता है Redmi Note 10 का, उसमें आपको जो है वो 4GB RAM एंड 64GB का प्राइस है 11,999 rupees। वहीं आपको Vivo का Y31 का जो प्राइस है 6GB एंड 128GB का, उसका प्राइस है 16,490 rupees। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़कर मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इन दोनों में से कौन सा फ़ोन जो है आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिए। सो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस Redmi Note 10 में आपको जो डिस्प्ले मिलता है उसका साइज है 6.43 इंच का, जो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है ये। वहीं आपको Vivo Y31 का जो डिस्प्ले का साइज़ है वो आपको 6.58 इंच का आपको फुल HD LCD डिस्प्ले मिलता है, वहां पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता है। और वहीं आपको जो Redmi Note 10 है उसमें आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको गोरिल्ला ग्लास से जो है प्रोटेक्टेड रहेगा, वहां पे डिनोट नहीं किया गया है कि कौन सा गोरिल्ला ग्लास उसमें मिलने वाला है, 3, 5, 6 कौन सा, तो सिर्फ बताया गया है कि गोरिल्ला ग्लास इसमें लगाया गया है। और Vivo Y31 में जो है वो गोरिल्ला ग्लास का जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई सिंपल सा जो है वो आपको ग्लास दिया गया है बट वहाँ पे गोरिल्ला ग्लास नहीं इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर Redmi Note 10 में आपको पंच होल मिलता है और एक सबसे टाइनी जो कैमरा होता है वही लगाया गया है 13 मेगापिक्सल का, तो फ्रंट कैमरा आपको जो है वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी के लिए Redmi Note 10 में। वहीं आपको Vivo Y31 में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है और उसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो है वो लगाया गया है। पीछे के साइड आपको Redmi Note 10 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस जो है वो दिया गया है। वहीं आपको Vivo Y31 में आपको जो मिलता है वो आपको 3 कैमरा मिलता है पीछे के साइड, 48 मेगापिक्सल का वाइड प्राइमरी लेंस मिलता है प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ के लिए और 2 मेगापिक्सल का आपको जो है वो माइक्रो लेंस दिया गया है। तो पीछे ट्रिपल कैमरा का स्लॉट Vivo Y31 में मिलता है। दोनों ही फ़ोन में आपको जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं, टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही में आपको जो है 5000 mAh का बैटरी मिलता है, चार्जर जो है वो आपको 33W का फास्ट चार्जर जो है वो आपको Redmi Note 10 में मिलेगा और 18W का फास्ट चार्जर जो है वो आपको Vivo Y31 में मिलेगा। प्रोसेसर के मामले में Snapdragon का प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi Note 10 में, उसमें आपको जो वो Snapdragon 678 प्रोसेसर मिलता है। वहीं आपको Vivo Y31 में जो आपको Snapdragon 662 का जो है वो प्रोसेसर मिलता है। दोनों ही में ब्लूटूथ 5.0 का जो है वो सपोर्ट मिलता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर का जो है आपको सपोर्ट मिलता है Redmi Note 10 में, डुअल स्पीकर दिया गया है जिससे आपको जो स्टीरियो साउंड का जो है आपको इफेक्ट मिलेगा, हाईरिस ऑडियो सपोर्ट का भी उसमें जो है दिया गया है, हाईरिस ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। वहीं आपको Vivo Y31 में सिंगल स्पीकर दिया गया है। सो गाइज यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, MIUI 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा Redmi Note 10 में, और यहाँ पे Vivo Y31 में फनटच OS 11 जो है आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों ही में आपको जो वो 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है और यहाँ पे वाइब्रेशन में आपको जो वो सिंगल वाइब्रेशन मोटर जो है आपको मिलता है Vivo Y31 में, और Redmi Note 10 में जो है आपको Z एक्सेस वाइब्रेशन मोटर मिलता है। और बहुत कुछ जो है वो Redmi Note 10 में इस बार अपग्रेड किया गया है, डिज़ाइन वाइज भी जो है वो बहुत ही अच्छा इस बार लाया गया है Redmi की तरफ से। और यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है वो आपको 678 मिलता है और यहाँ पे आपको जो है वो Vivo में आपको जो है Snapdragon 662 मिलता है। और कैमरे में भी आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो कैमरा मिलेगा Redmi Note 10 में, सेल्फी कैमरे में 16 मेगापिक्सल जो है वो Vivo Y31 में है और Redmi Note 10 में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो ओवरऑल जो है वो दोनों ही फ़ोन जो है वो सही है, सिमिलर है, बट यहाँ पे सुपर AMOLED का डिस्प्ले Redmi Note 10 में मिलता है, उसमें LCD डिस्प्ले मिलता है, Snapdragon 678 मिलता है और उसमें आपको 662 मिलता है, और यहाँ पे आपको जो वो 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है और Z एक्सेस वाइब्रेशन मोटर मिलता है और बहुत कुछ जो है वो अपग्रेड किया गया है और प्राइस भी जो है वो इसका कम है। सो गाइज मेरा मानना ये है
कि अगर आपको एक फ़ोन परचेस करना है अंडर 15,000 to 16,000 का राउंड, तो आप जो है वो रेडमी नोट 10 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में वीवो Y31 जो है वो बीट कर रहा है इन सब के स्पेक्स और हार्डवेयर के मामले में। सो गाइज, मेरा मानना ये है कि रेडमी नोट 10 जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी और ज़्यादा दिन तक भी जो है आपको चलेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।